सरजमीन मुस्तफ़ा कमाल और अनीस भाई की वजह से 25 साल में वो इज्जत नहीं मिली थी कि अभी हम पंजाब में गए थे, जो इज्जत 5 दिन में हम लोगों को मिली है। जब से उसको छोड़ा है बड़े सुकून की नींद आती है, बड़े मज़े से सोते हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद सोते हैं, अपनी नींद उठते हैं। और बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूं, यकीन करें कि आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो हम पंजाब में कह रहे थे, जो आप लोगों से बात कर रहा हूं, वो जो ना वहां से हमें सिखाया, वो पता नहीं दबाव था क्या था, वो एक तो भाई कहना बड़ा ज़रूरी था, ये बड़ा मसला था। पता नहीं वो कहां से लफ्ज़ आया था, हमारे तो खैर दिल में खलूस होता था, वो भाई पता नहीं कहां से लाया था, किस फिल्म से लाया था, किस डॉन बनने का उसको शौक था कि उसने भाई कहलवाता था और हमसे भी। अब हमने ये सोच लिया है कि अगर अच्छा लगता है, कोई बड़ा है, दिल चाहता है तो भाई भी कहें, अदरवाइज आप लोग मलिक साहब कहें, चौधरी साहब कहें, शाह जी कहें, राणा साहब कहें, जो दिल में आए एक दूसरे को कहें, जो अच्छा लगता है वो कहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपस में अगर हम अपनी बेगम के साथ चले गए वहाँ जाके बाजी बाजी कह रहे हैं, उससे भी बाजी निकल जाता है मुँह से, और ये सारी मुसीबतें वहीं से आई हुई थी। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस भाई ने जो पाक सरजमीन का प्लेटफार्म दिया है, जिसमें मैंने यहाँ से लेके जो पंजाब के चप्पे चप्पे में हम लोग गए, जो लोगों की आंखों में चमक देखी है, इंशाअल्लाह ताला हम कहते हैं कि अवाम इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा कमाल भाई का साथ देगी और मुस्तफ़ा कमाल भाई पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को बेहतरीन मुस्तकबिल देंगे। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि कोई उंज भी रावा औखियाँ सन, कुछ गल विच गमा दे तौक भी सी, कुछ उंज भी रावा औखियाँ सन, कुछ गल विच गमा दे तौक भी सी, कुछ इस शहर के नराले मियाँ भी जालम सन, फिर सानू मरन का शौक भी सी।